Hey guys, now you can study CAIPCC taxation at your home. All the lectures will be delivered to you in a pen drive. You will also receive hard copy of notes for CAIPCC taxation. So avail this opportunity, learn at your home, at your own pace, with your own mentor. Check the links given in the description below and the comment box below. Or just write to us at neerajaroraclasses@gmail.com. Hi guys, what's up? अगर आप इन वीडियोस का पूरा फायदा उठाना चाहते हैं तो सर आप प्लीज पूरी वीडियोस देखिएगा, इंट्रोडक्टरी वीडियो से शुरू कीजिएगा। कहाँ है वो सारी वीडियोस, कहाँ है उनका लिंक, वो सारे लिंक्स मैंने सर नीचे दे रखे हैं आपको डिस्क्रिप्शन एरिया और कमेंट बॉक्स में। तो आप बिल्कुल शुरुआत से देखिए, अगर आपने पहले सारी वीडियोस देख ली हैं तभी ये वीडियो को शुरू कीजिएगा। और ये सारी वीडियोस एप्लीकेबल है मई 2017 और नवंबर 2017 के लिए। अगर कोई अमेंडमेंट्स होंगी तो डेफिनेटली मैं वो भी अपलोड करूंगा। और आप हमारी फुल फ्लेज क्लासेस भी ले सकते हैं, उनके लिंक्स मैंने नीचे दे रखे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग कवर करेंगे दो सर्विसेज मेगा एग्जेम्पशन की, दो एंट्रीज आई शुड से मेगा एग्जेम्पशन की। बहुत ही आसान है, मेरी बुक में 22 नंबर और 23 नंबर है। वैसे इनका मेगा एग्जेम्पशन एंट्री में निकल से 19 और 19 ए नंबर है, ठीक है, बट हमें वो सब याद करने की जरूरत नहीं है। सर दोनों को मिलाकर बोल सकता हूँ कि हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इस समय केटरिंग सर्विसेज के लिए। बोलिए कौन से सर्विसेज के लिए? केटरिंग सर्विसेज, राइट। तो बहुत ही सिंपल रहने वाला है और जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। कोई मुझसे पूछे कि भाई कैटेगरी क्या है, हाँ जी कैटेगरी क्या है, कैटेगरी है इसकी 1 स्टार, यस। यानी सर आ तो सकता है लेकिन बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस हैं, ठीक है सर। और आप लोगों को बड़े आसानी से मेरे साथ कवर करा दूंगा मैं, सिर्फ रीडिंग से ही कवर हो जाएगा। सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सर्विंग ऑफ फूड लीजिए और बेवरेजेस बाय अ रेस्टोरेंट ईटिंग जॉइंट मैकडोनल्ड डोमिनो सब माइंड में चला लीजिए और अ मेस अदर देन दोज having the facility of air conditioning or central air eating. अच्छा जी, तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं सर, restaurant, eating joint, mess, सर जिनके पास AC और central heating की facility है, और जिनके पास AC या फिर centralized heating, सर centralized heating, अरे भाई हमें दिल्ली मुंबई वगैरह में गर्मी लगती है तो AC चाहिए होता है, लेकिन अगर आपको ये सब चीजें चाहिए हो कहाँ पे, क्या बोलते हैं, शिमला वगैरह चले जाओ या जम्मू कश्मीर चले जाओ, तो वहाँ पे सेंट्रलाइज हीटिंग चाहिए ना आपको, तो AC सेंट्रलाइज हीटिंग है, AC सेंट्रलाइज हीटिंग नहीं है। अगर AC सेंट्रलाइज हीटिंग है, AC या फिर सेंट्रलाइज हीटिंग है, तो भाइयों मेगा एग्जेम्पशन में कवर्ड नहीं है, सर्विस टैक्स एप्लीकेबल होगा। और यहाँ पे मेगा एग्जेम्पशन में कवर्ड है, सर्विस टैक्स जो है आपको पे करने की जरूरत नहीं है। एक बात साथ साथ आप मेरे ध्यान रखेंगे और वो बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पे अबेटमेंट को भी आप कंसिडर करेंगे। अबेटमेंट वाली वीडियोस मैंने आपको जो USBs दी हैं उसके बिल्कुल एंड में सर्विस टैक्स में है सर, उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा कि फूड एटसेट्रा पे अबेटमेंट कैसे काम करती है। सो इतना सिंपल था ये आपका पहली एंट्री जो हमने पढ़ी, एंट्री नंबर जो मेरी बुक में आ रही है सीरियल नंबर 22 पे। और सेकेंड जो है वो उससे भी ज्यादा सिंपल है, कोई आपको एक्स्ट्रा इससे कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। IPCC लेवल पे हम इतना ही पढ़ लें तो बहुत है, ठीक है। चलिए देखना चाहेंगे आप लोग, आइए जरा देखते हैं। अच्छा जी, सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सर्विंग ऑफ फूड और बेवरेजेस। अच्छा देखिए, सर्विंग ऑफ फूड और बेवरेजेस तो कॉमन नजर आ रहा है। अच्छा, बाय अ कैंटीन, यहाँ पे डिफरेंस आ गया, यहाँ रेस्टोरेंट था, यहाँ कैंटीन। मेंटेन्ड इन अ फैक्ट्री, बिल्कुल ये अलग हो गया, तो कैंटीन कहाँ मेंटेन था, फैक्ट्री में। Covered under Factories Act 1948, having the facility of air conditioning or central air heating at any time during the year. लीजिए, तो अगर आपको फैक्ट्री के अंदर Factories Act 1948 के अकॉर्डिंगली जो कैंटीन मेंटेन था, चाहे वो AC वाला हो सेंट्रलाइज हीटिंग वाला हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो केटरिंग सर्विसेज दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? केटरिंग सर्विसेज। तो आपको उसके ऊपर, यानी जो कैंटीन है, कैंटीन को इसके ऊपर सर्विस टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि ये मेगा एग्जेम्पशन में कवर्ड है। कैंटीन एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए बनाया गया है। फैक्ट्रीज एक्ट में कुछ प्रोविजन है जो इसे मैंडेटरी कर देते हैं कि आपने क्या बोलते हैं, कैंटीन बनाना ही बनाना है। तो वैसे ही एम्प्लॉयर के ऊपर एक प्रेशर है, और ऊपर सर वो कैंटीन वाले को सर्विस टैक्स पे करना पड़ जाएगा, एम्प्लॉयज के लिए जो फूड है वो महंगा हो जाएगा, इसलिए गवर्नमेंट मुझे लगता है इसे मेगा एग्जेम्पशन के अंदर क्लियरली कवर कर दिया। सो सर्विस प्रोवाइडेड इन रिलेशन टू सर्विंग ऑफ फूड और बेवरेजेस बाय अ कैंटीन मेंटेन्ड
in a factory covered under Factories Act 1948, having the facility of air conditioning or central air heating at any time during the year. तो उसके लिए हम लोग क्या बोलेंगे सर आपको क्या बोलते हैं सर्विस टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है. एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ. देखिए जरा सर, अगर मैं बात करता हूँ फैक्ट्रीज की और मैं बात करता हूँ अदर एस्टेब्लिशमेंट की जैसे मैकडोनल्ड डोमिनोज एटसेट्रा, राइट. अब मैं बात करता हूँ सर नॉन एसी फैक्ट्री में, अगर नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट है, एसी है तो भी एग्जेम्प्ट है. सर अपना अगर मैं बात करूँ अदर एस्टेब्लिशमेंट में अगर नॉन एसी है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन अगर एसी है तो वो टैक्सेबल है. इतनी सिंपल सी बात है जो आपको याद रखनी है. इस एंट्री में बस इतना ही. आगे वाली मेगा जंक्शन की वीडियो जरूर देखिएगा और स्टार्टिंग इंट्रोडक्टरी वीडियो से कीजिएगा. सारी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको नीचे दे रखा है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड यस, कंप्लीट द कोर्स ऑफ मेक एग्जामिनेशन, स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वीडियो एंड वॉच ऑल द वीडियोस टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट. थैंक यू वेरी मच. एंड यस, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. स्टे कनेक्टेड, स्टे अहेड. जय हिंद. और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद.